केरला समाज सानपाड़ा द्वारा केरला की पारंपरिक संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने और समाज को एकजुट रखने के प्रयत्नों के साथ नेहरू स्थित बंट सभागृह में 19 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत वार्षिक स्नेह सम्मेलन और ओणम उत्सव का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर सभी को ओणम की शुभकामनाएं देने पूर्व विधायक संदीप नायक उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थे केरला समाज सानपाड़ा के तमाम पदाधिकारी। इस दौरान संदीप नायक ने सभी को ओणम के साथ ही दिवाली की भी शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज के लोगों को अपने हाथों से खाना परोसकर एक आत्मीयता का परिचय भी दिया। इस दौरान संदीप नायक ने कहा कि इस शहर ने सबको अपनाया और सबको सम्मानित किया है और यही विविधता में एकता की भावना का निर्माण करने में केरला समाज सानपाड़ा का अभूतपूर्व योगदान है। नवी मुंबई शहर विशेष है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपरा है, लेकिन इस शहर ने सबको अपनाया है, सबको सम्मानित किया है। और ऐसे अवसर पे अगर हमारे गांव से हम दूर निकल आए हैं और हमारी जो गांव की खेती, गांव के लोग अगर एक निमित्त के माध्यम से, एक उत्सव के माध्यम से अगर एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें खुशी उनकी बढ़ती है और इस खुशी को और उनकी परंपरा संस्कृति को देखने का मौका भी शहर के हर प्रांत के लोगों को मिलता है। तो यही एक विविधता में एकता है और जो भारत की जो शक्ति है कि अलग भाषा, अलग धर्म, अलग पंथ, लेकिन उसमें भी ये भारत देश आज चारों दिशा में प्रगति कर रहा है और उसका महत्व भी नवी मुंबई शहर में ही भी है कि सब विविधता होने के बावजूद आज सभी लोगों में इस शहर के हित के लिए आज एकता हम देख पाते हैं और इसमें एक अच्छा योगदान केरला समाज सानपाड़ा के संस्था का भी है, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।